अभी तक हमने मॉस सिस्टम में चार्ज एक्यूमुलेशन कैसे होता है और डिप्लीशन रीजन फॉर्मेशन ये स्टडी किया है डिप्लीशन रीजन फॉर्मेशन में दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स और होते हैं कि उसकी डेप्थ कितनी है और उसमें चार्ज डेंसिटी कितनी है तो ये दोनों डेरिवेशंस दे, से जो फॉर्मूले आएंगे वो हमारी करंट डेरिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा तो पहला हमारा है कि डेप्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एक्स एंड इन सफिक्स स्मॉल डी विच इज़ द फंक्शन ऑफ द सरफेस पोटेंशियल अच्छा कौन सी सरफेस एक बार हम फिर से मॉस कैपेसिटर को बना लेते हैं जो फर्स्ट लेयर होती है वो हमारी मेटल लेयर होती है जिससे गेट टर्मिनल हम कहते हैं कि अटैच्ड है एंड देन हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी इंसुलेटर की लेयर है फिर जो हमारा रिमेनिंग थर्ड लेयर है वो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है जिसको हम बॉडी टर्मिनल बोलते हैं अच्छा यहाँ पे जो हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच का इंटरफेस है ये जो लाइन है इसको सरफेस बोल रहे हैं ठीक है तो यहाँ जो सरफेस पोटेंशियल है इस पर हमारी डेप्थ डिपेंड करती है ना एज्यूम दैट द मोबाइल होल चार्ज इन अ थिन हॉरिजेंटल लेयर पैरल टू द सर्फेस दिस लेट दिस बी इक्वेशन वन तो हमने एक स्मॉल डिस्टेंस एज्यूम कर ली है डी इसमें हमने चार्ज मान लिया है डी तो ये हमारा इक्वेशन वन से हम दे सकते हैं एन ए इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर आयस ओके ना यूजिंग दिस पॉइजो इक्वेशन पॉइजो इक्वेशन क्या करता है कि हमारा जो पोटेंशियल uh, होता है उसको रिलेट करता है विद द चार्ज एंड द डिस्टेंस सो यूजिंग दिस पॉइजो इक्वेशन जो हमारा सरफेस पोटेंशियल में चेंज हो रहा है ठीक है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इट इज़ गिवन बाय माइनस एक्स डी क्यू अपॉन एपसाइल एन एस आई यानी सिलिकॉन की हमने परमिटिविटी कंसिडर की है लेट दिस बी इक्वेशन टू सो जो डी क्यू है वो इक्वेशन वन से हमने प्लेस कर दिया है नेक्स्ट अब ये जो सरफेस पोटेंशियल हो रहा है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है ये फर्मी पोटेंशियल से जो सरफेस पर यानी एक बार एनर्जी बैंड डायग्राम को रिकॉल करें तो हमारा जो सरफेस uh, था ओके okay, ये बन रहा है यहाँ से ऐसे बैंड बेंडिंग हुई थी तो ये सरफ़ेस पे जो पोटेंशियल है उसको हम फाइव बोल रहे हैं और ये हमारी फाइव एफ हो गई ठीक है तो फाइव एफ से फाइव एस तक हमारी वेरिएशन हो रही है तो ये हमारा टोटल चेंज है सरफ़ेस पोटेंशियल में और डेप्थ ऑब्वियसली जीरो से इस रीज़न तक मान ले इस पॉइंट तक ये हमारा डिप्लीशन डेप्थ हो गई तो डेप्थ हमारी जीरो से एक्सडी तक वेरी कर रही है इसको अगर हम इंटीग्रेट करें ये सिंपल इंटीग्रेशन है सिंपल इंटीग्रेशन से हमारा डिप्लीशन डेप्थ आ जाएगी नेक्स्ट अगर हमें डिप्लीशन रीजन चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो वन सेकेंड हम इक्वेशन वन को यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो डी एक्स एस जगह आप एक्स डी यानी टोटल डिप्लीशन डेप्थ तो टोटल चार्ज भी आ जाएगा तो इस इक्वेशन में एक्सडी की वैल्यू इक्वेशन फोर से हमने यूज कर ली तो हमारे पास इक्वेशन फाइव में कंप्लीट चार्ज डेंसिटी आ जाएगा अब हम इन्वर्जन रीजन देखते हैं इन्वर्जन रीजन इन्वर्जन टर्म भी आपने पहले सुना होगा इन्वर्जन रीजन कैसे फॉर्म होगा कि जो हमारा गेट टर्नल है उस पर हम पॉजिटिव वोल्टेज को और इंक्रीज कर देते हैं जो डिप्लीशन रीजन का केस था उससे ज्यादा ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज देने से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इंक्रीज कर जाएगी और इससे हमारा जितना भी होल्स होगा यहाँ से मूव कर जाएगा सिर्फ एक्सेप्टर आयंस बचेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर हमारे सबस्ट्रेट में थे वो अट्रैक्ट होने लगेंगे सरफेस की तरफ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी वो सरफेस पर आने लगेंगे एनर्जी बैंड भी और ज़्यादा डाउनवर्ड बैंडिंग शो करेगा तो इन्वर्जन स्टार्ट हो गया है क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स आ रहे हैं सर्फेस की तरफ एक टाइम पर जो ये लेयर पी टाइप होती थी अब वो एन टाइप हो जाएगी क्यों क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हैं तो इस तरीके से इन्वर्जन रीजन हो रहा है और ये रहा एनर्जी बैंड डायग्राम आप देख रहे हो बैंडिंग कितनी ज़्यादा हो गई है मेटल के भी फर्मी लेवल जो है वो चेंज हो गया क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया है अच्छा अब इस इन्वर्जन रीजन बन गया है या इन्वर्जन लेयर फॉर्म हो गया इसको कई तरीके से हम बता सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं एंड uh, अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही वाइवा के लिए और इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ध्यान से सुनिएगा और इनको नोट कर लीजिएगा व्हाट इज सरफेस इन्वर्जन सरफेस इन्वर्जन वो है जब एन पी टाइप मटेरियल जो पहले पी टाइप मटेरियल था अब वो एन टाइप हो गया टाइप रीजन क्रिएटेड नियर द सर्फेस बाय द पॉजिटिव गेट बायस इज इन्वर्जन लेयर ठीक है एंड

इन्वर्जन रीजन ये हमारी बल्क में जो होजेंट्रेशन है इनके बराबर हो चुकी है थर्ड वन दिस कंडीशन रिक्वायर्स दैट द सर्फेस पोटेंशियल हैज द सेम मैग्नीट्यूड बट द रिवर्स पोलरिटी हैज द बल्क फॉर मे पोटेंशियल यानी कि जब हमारा सर्फेस पोटेंशियल एग्जैक्टली इक्वल होगा बल्क पोटेंशियल बल्क फर्मी पोटेंशियल के लेकिन अपोजिट पोलरिटी तो भी हम कहेंगे कि हाँ इन्वर्जन हो चुका है ना जस्ट थिंक अबाउट इट इफ यू फर्दर इंक्रीज द गेट वोल्टेज हाउ इट विल अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन एंड डिप्लेशन डेप्थ और पॉजिटिव करें तो इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन का क्या होगा क्या डिप्लेशन डेप्थ भी बढ़ेगी या घट जाएगी तो पहली बात अगर हम इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के करें तो यस yes, जितना पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन सरफेस के पास बढ़ती जाएगी लेकिन डिप्लीशन डेप्थ नहीं बढ़नी है द डिप्लीशन रीजन डेप्थ अटेन्ड एट द ऑनसेट ऑफ सरफेस इन्वर्जन इज ऑल्सो इक्वल टू मैक्सिमम डिप्लीशन डेप्थ विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर हायर गेट वोल्टेजेस मैक्सिमम डिप्लीशन रीजन डेप्थ मींस सर्फेस पोटेंशियल इज एक्जैक्टली इक्वस टू फर्मी पोटेंशियल विथ नेगेटिव सो यहाँ पर हमारी एक्स डी एम अगर आपसे पूछा जाए तो दिस विल बी टू फाइव हो जाएगा सर्फेस इन्वर्जन वो कंडीशन हो गई जहां पर हमारा एक्स डी इज एक्चुअली एक्स डी एम यानी फाइव इज इक्वस टू माइनस फाइव एफ यह भी अभी मैंने आपको बताया था इन डेरीवेशन को ध्यान से देखिए इन फॉर्मुले को भी ध्यान रखिए क्योंकि ये आगे चल के फिर से यूज होने वाले हैं तो मॉस कैपेसिटर में इतना ही इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए अपना फीडबैक भी दीजिए थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे